जी सब बात करें धनिए की, तो धनिए का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 7760 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.5% की गिरावट के साथ, और जो सितंबर वादा है 7574 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि धनिए का अक्टूबर वादा अभी भी अपने जो सपोर्ट लेवल है, नीचे का जो सपोर्ट लेवल है धनिए का, अभी भी उसी के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धनिए की जो अब आवक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो खरीदारी है धनिए की धनिए के अंदर वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आई। और दूसरा, हमने जो धनिए की कीमतों हमने जो धनिए में ऊंची कीमतें बनती हुई देखी थी अच्छी निर्यात मांग की वजह से, अब उच्च स्तर पर भी धनिए की जो मांग है वो कम होती हुई नज़र आई है। बड़े लेवल्स पर बढ़ती हुई कीमतों पर धनिए की जो खरीदारी है उसके अंदर एक कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि धनिए की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय तक धनिए की जो कीमतें हैं वो एक रेंज में कारोबार करती हुई नज़र आ सकती हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। धनिए के बाद बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 14660 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट के साथ। आपको बता दें कि किसानों के पास, व्यापारियों के पास और मंडियों में जीरे की जो सप्लाई है वो पर्याप्त देखने को मिल रही है, अच्छी खासी देखने को मिल रही है, कोई शॉर्टेज नहीं है जीरे की, जिसकी वजह से जीरे की ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से, पर्याप्त सप्लाई रहने की वजह से एक जो मांग है वो एक स्थिर होती हुई नज़र आई है। सप्लाई ज़्यादा है और मांग उतनी की उतनी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि आज जीरे की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नज़र आ रही है। बात करें यहाँ से अगर हल्दी की, तो देख रहे हैं कि टर्मेरिक यानी हल्दी का अक्टूबर वादा 7538 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज हल्दी की कीमतों में 4.5% की जो लोअर सर्किट है वो लगता हुआ नज़र आ गया। आपको बता दें कि हल्दी की जो डिमांड है काफ़ी अच्छी निकलती हुई नज़र आई थी अभी बीच में, हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके साथ कुछ फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से हल्दी में अभी हाल फिलहाल में गिरावट बनती हुई नज़र आई, वो आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमने एक बार फिर देखा है कि मॉनसून दोबारा से एक्टिव हो गया है, बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं एक बार फिर से। बारिश मुख्य जो हल्दी के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनके अंदर बारिश अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सीजन में हल्दी के अगले सीजन में जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिल पाएगा, जिसकी वजह से इन सेंटीमेंट्स के चलते हल्दी की कीमतों में आज हम देख रहे हैं कि 4.5% का एक निचला सर्किट बनता हुआ नज़र आया है। वरना हल्दी की डिमांड अच्छी खासी घरेलू स्तर पर भी थी और है भी, और निर्यात मांग भी अच्छी खासी है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और लोग हल्दी को अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काढ़े के रूप में, सब्ज़ी में, और ऐसे भी खाई जाती है कच्ची भी, जिसकी वजह से इम्यून बूस्ट की जाती है। तो डिमांड तो अच्छी खासी है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स बने हैं अब बाज़ारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, उसकी वजह से हल्दी की कीमतों में आज ही एक गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है।